महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और दिल्ली के लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आखिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने के पीछे वजह क्या है और लोग अपना ख्याल कैसे रखें, कहां पर क्या गलतियां हो रही है, इसे लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर भारत बेओर जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। सर, थैंक यू। कहा जा रहा था कि कोरोना लगभग काबू में आ गया, वैक्सीन भी आ गई थी और लोग, क्योंकि पिछले 8-10 महीने से कोरोना से जूझ रहे थे, तो लोगों को पता था कि कैसे इससे अपना बचाव करना है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पहला सवाल तो यही है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या लोगों की नेग्लिजेंसी है, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है वो तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों भी कारण है। जो नया स्ट्रेन आया हुआ है, जैसे कि हमने देखा है कि महाराष्ट्र में और केरला में नया स्ट्रेन आया है जो कि तेजी से बढ़ रहा है, और हम लोगों की थोड़ी सी जो निग्लिजेंसी हो रही है एहतियात बरतने में, कोविड के एहतियात बरतने में जो हम लोग थोड़े से निग्लिजेंट हो गए हैं, हम मार्केट में घूम रहे हैं, हम विदाउट मास्क या जो हम एहतियात बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे, उसके कारण ये जो कोविड है तेजी से फैल रहा है अभी। तो इसको अगर रोकने के लिए हमें यही है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना है, हमें 6 गज की दूरी रखनी है, 6 फीट की दूरी रखनी है, हमें हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन, इसको भी बिल्कुल फॉलो करना है। तो हम इस जो नए स्ट्रेस को भी है उसको भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कुछ लोगों को बचा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र लगभग लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हुआ है, कुछ जिलों में लगाया भी गया है। दिल्ली को लेकर अगर बात करें, आपको लगता है दिल्ली अभी सेफ है? लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर केसेस पिछले कुछ दिनों में देखे गए हैं, ऐसे में दिल्ली के लिए चिंता की बात भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल चिंता करने की बात है, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल प्लेस है, दिल्ली हमारी कैपिटल प्लेस है, इसीलिए दिल्ली में जो बाहर से भी आने वाले लोग हैं, इंडिया से भी आने वाले मैक्सिमम लोग हैं, तो हमारे यहाँ फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर हम प्रॉपरली एहतियात ना बरते तो इसलिए मैं सभी हमारे भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोविड के प्रोटोकॉल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जिनको अभी कोविड की लस लगनी है, वैक्सीन लगनी है, या जिनको अभी लग चुकी है पहला डोज, तो सेकंड डोज वो अपना बिल्कुल लगाए, और जिन्होंने अब तक वैक्सीन लगवाई नहीं भी अपनी वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मैंने भी खुद लगवाई है। इसलिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि वो अपना वैक्सीन प्रॉपरली शेड्यूल पे लगाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था कि हर्ट इम्यूनिटी बनना एक मिथक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर 80% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी जो बननी चाहिए थी लगभग उतनी नहीं बन पा रही है। तो अभी तक जो हम दिल्ली के लोग सोचते थे कि एंटीबॉडी एक काम करेगी और कोरोना हम तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या आपको लगता है कि उन सब बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, कोरोना को वाकई सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, कि हमें कोरोना को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और जो मीथ है इसको हमें माइंड से निकालना है, और निकाल के हमें जो प्रिकॉशंस है कोविड के प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल फॉलो करना है। सर, मौसम बदल रहा है, आखिरी सवाल आपसे, ये न्यूज में हमने पढ़ा है कि अमेरिका में जो 5 लाख डेथ हो चुकी है, हमारे इंडिया में तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो स्थिति हमारे इंडिया में ना डेवलप हो, इसके देखते हुए हम लोगों को एहतियात बरतना बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मौसम बदल रहा है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, खबर यह है कि इस बार गर्मी भी नए रिकॉर्ड बनाएगी, तो आपको लगता है कि मौसम का कुछ फर्क पड़ेगा इस बीमारी को लेकर, नए स्ट्रैंड पर मौसम की मार पड़ेगी और कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या इस उम्मीद में हम लोग रहें? अभी जो नए स्ट्रेन के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं, हमने लास्ट ईयर भी देखा है कोरोना के जो स्ट्रेन हमारे यहाँ इंडिया में आया था उसके बारे में, तो समर का कोई बहुत ज्यादा असर उस पर नहीं हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में ये जो नया स्ट्रेन आया उसके बारे में कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, इसीलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एहतियात बरतना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 26 फरवरी की रात 12 बजे से लेकर 15 मार्च तक दिल्ली आने वाले इन तमाम पांचों स्टेट में से जो भी लोग दिल्ली आएंगे उनके पास
नेगेटिव रिपोर्ट कोविड की होना बेहद जरूरी है, अन्यथा उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो बाउंडेशन लगाई गई है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगाई गई है, अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर आता है तो वो इस दायरे से बाहर रहेगा। डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।